फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो साइट ओपन है और हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, तो उसकी अपडेट मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहती है। अब हम आज जो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एग्जाम अपडेट एंड कॉपी जो है वो कितने पेज की आती है, हाउ टू फिल कॉपी, कॉपी को कैसे फिल किया जाए, बीएससी नर्सिंग की कॉपी जो आती है एग्जाम कॉपी उसे कैसे फिल किया जाए, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के इस वीडियो के थ्रू सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला वीडियो, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो जो कि बीएससी नर्सिंग अपडेट है। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को बता दें, जो भी स्टूडेंट के 23 मई से एग्जाम है, आप लोगों को पता होगा 23 मई से जो भी स्टूडेंट के एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के, और बैक वाले स्टूडेंट के भी बीएससी नर्सिंग के 23 मई से एग्जाम है, तो उनके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला वीडियो ये कि कैसे एग्जाम में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू फिल कॉपी, कॉपी को कैसे फिल किया जाए, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना ही होगा कि इस यूनिवर्सिटी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती है, तो इसमें बैक बहुत आती है, सप्ली बहुत आती है, तो ऐसे आप लोग कैसे कॉपी फिल करें, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सो मैं आप लोगों को पहले ही मैंने देखिए, आप लोग अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जाके, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो वहाँ पर पूरा अटल बिहारी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि आप लोग बता दें कि जो लॉन्ग आंसर आता है, सबसे पहले 15 नंबर का लॉन्ग आंसर आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है 15 नंबर का लॉन्ग आंसर आता है। तो 15 नंबर का लॉन्ग आंसर में तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन करने को, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ऐसे करके तीन चार क्वेश्चन उसी में घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोचते होंगे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एंड 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 8 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन दे देते, वैसे 15, 5 एंड 2 तीन प्रकार के ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिए, पहले क्या होता है सीरीज वाइज अगर क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि क्या सीरीज वाइज ही करें, मतलब नंबर के हिसाब से करें कि पहला करें फिर दूसरा करें, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन टू करना स्टार्ट किया तो उसके ए बी सी डी पहले निपटा दीजिए, पहले उसके पार्ट करिएगा, ये नहीं कि पहले 5 किया, 5 का ए फिर 2 का ए फिर 1 का ए, ऐसा कर ना कीजिएगा, तो इससे क्या होता है एग्जामिनर भी कन्फ्यूज हो जाता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो इसे कितने पेज पर करना होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कितने पेज पर करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी में आप लोगों को इनफ लिखने को है, बहुत सारा लिखने को है, तो इसमें क्या होता है 15 नंबर का आप लोग 75, मेरे सर जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि 75% कर लीजिए, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 75% कर लीजिएगा, कभी भी सप्ली नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही की पॉइंट है कि अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो अगर उसका 75 मार्क्स कर लेते हैं, मतलब उसका डिवाइड कर लीजिएगा 75 मार्क्स, तो मतलब 75 अगर परसेंटेज हिसाब से करेंगे, जैसे कि 15 नंबर का है, 15 नंबर का हाफ कितना हुआ 7, ठीक है, तो हाफ हुआ 7, तो आप लोगों को कम से कम मिनिमम 10 पेज करना है 15 नंबर में, आप लोगों को 10 पेज तो करना है कंपलसरी है, आप लोगों की कभी भी सप्ली नहीं आएगी। आप लोग राइटिंग के भविष्य से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर देखिए फिर 75 आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग पास टाइम है तो 75% कीजिएगा, वरना आप लोग 50 तो कीजिएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग एक पेज में कीजिएगा। देखिए, सप्ली आने का क्या होता है कि फिर सप्ली आई जाती है, लेकिन आप लोग अभी ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग एक पेज लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिएगा। जैसे कि पूछ दिया गया, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया कि टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सॉरी
हाँ टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। अब ये नहीं, ब्रांचेस जितनी आती है वो लिख दीजिएगा। अब ये नहीं उसे एक पेज में लिखे जा रहे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह टाइम भी नहीं होता है। जितना अगर टू टाइप्स पूछे गए किसी के, मैरिज के टाइप्स पूछे गए, फैमिली के टाइप्स पूछे गए, तो आप लोग वही तो लिखेंगे ना, तो वही लिखिएगा। मतलब उसके टाइप्स, या देखिए दो नंबर पर इतना मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो नंबर में बहुत ही शॉर्ट में ही पूछ लेते, जितना पूछा जाए फ्रेंड्स उतना ही कीजिएगा। इसमें आप लोग 50% ना कीजिएगा। हम मैं बात कर रही हूँ 15 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आप लोग 2.5 पेज जरूर कीजिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 पेज जरूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही आप लोगों को कॉपी फिल करनी होती है, एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोगों को अलग अलग कॉपी मिलेंगी। तो आप लोगों के देखिए एक कॉपी कितने नंबर की आती है, तो आप लोगों को भी बता दें कि वन कॉपी 32 पेज की आती है, 32 पेज की एक कॉपी आती है। तो कॉपी क्या होता है कि आप लोगों को एनाटॉमी की कॉपी अलग मिलेगी, फिजियोलॉजी की कॉपी अलग मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को हाफ हाफ मतलब कॉपी फिल करने का तरीका क्या, जैसे कि आप एनाटॉमी में अगर आप लोगों के हाफ पेज फिल हो गए हैं, 15 नंबर अगर आप लोगों ने पेज फिल कर दी, तो आप लोग फिजियोलॉजी करिएगा। ये नहीं कि एनाटॉमी आता तो एनाटॉमी ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों पे ध्यान कीजिएगा, एंड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पे इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स यही बताना था कि कॉपी आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होंगे एंड कॉपी कैसे फिल करें। एंड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करा रही हूँ, एंड आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे अपलोड कर रहे हैं, कल मैंने सोशियोलॉजी के करे थे, आज साइकोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रेगुलर करते रहूँगे। तो आप लोग प्लीज़ रेगुलर चैनल को फॉलो कीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।